एनएस न्यूज लाइव पर देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। नागपुर बसपा नेताओं में जमकर झंझट, मारपीट तक पहुंची नौबत। रविवार की सुबह उत्तर नागपुर विधानसभा सीट के लिए बसपा की टिकट बंटवारे को लेकर उस समय नेताओं के बीच हाथापाई तक नौबत आ गई, जब नाराज इच्छुक प्रत्याशियों को मनाने के लिए पहुंचे नेता नेताओं के साथ जमकर विवाद खड़ा हो गया। मालूम चल रहा है कि नागपुर विधानसभा सीट से बसपा की ओर से जहां सुरेश साखरे ने नामांकन भरा, वहीं इच्छुक नेता बुद्धम राउत और बसपा पार्षद जितेंद्र घोड़ेस्वार ने भी पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद रविवार की सुबह प्रत्याशी सुरेश साखरे और घोड़ेस्वार कुछ नेताओं के साथ राउत को मनाने उनके निवास पर पहुंचे थे, किंतु घोड़ेस्वार की ओर से विवादास्पद बयानबाजी की गई, जिससे दोनों नेताओं के बीच जमकर विवाद शुरू हो गया। यहां तक कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। प्रभारी और अध्यक्ष की साठगांठ से कटा टिकट। बुद्धम राउत ने कहा कि दिल्ली में बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें उत्तर नागपुर से टिकट देने की निर्देश प्रभारी अशोक सिद्धार्थ और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश साखरे को दिए थे, लेकिन प्रभारी सिद्धार्थ और प्रदेश अध्यक्ष ने विरोधी दल के नेताओं के साथ साठगांठ कर न केवल उनका टिकट काट दिया, उन्होंने कहा कि मायावती को झूठी जानकारी देकर इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। सीएम के नॉमिनेशन का मामला, आरओ के कंप्यूटर मोबाइल जब्त करने की मांग। वकील ने की चुनाव आयोग से शिकायत। उन्होंने मांग की है कि 52 दक्षिण पश्चिम नागपुर से रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग, सभी कंप्यूटर, आरओ का मोबाइल, हैंडसेट और देवेंद्र फडणवीस द्वारा नामांकन के साथ जमा किए गए सभी पेपर सीज करें। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में रिटर्निंग अधिकारी ने फोर्जरी की है, जो आपराधिक मामला है। आरओ ने नोटरी का नाम बार बार चेंज किया है और अब नोटरी का नाम पुरुषोत्तम नरेंद्र सोनटक के बताया गया है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।